गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है आपका हमारे चैनल पीवीआर स्टडी पे। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मस्त हैं? सब लोगों का अच्छा चल रहा होगा। मुझे लगा तैयारी आपकी कैसे चल रही। भाई सबका अच्छा चल रहा होगा। चलो ठीक है, आ जाओ फटाफट, जो भी लोग जुड़े हुए हैं फटाफट सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार, सबको सत श्री अकाल, सबको अस्सलाम वालेकुम। ठीक है दोस्तों, मैं अपने शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड अदर जो भी आपका ग्रुप होगा सबको बता दीजिएगा भाई कि साइंस की क्लासेस आपको मिल रही है, वो भी फ्री में। यार कुछ भी मिले तो उसको लूट लेना चाहिए, ठीक है, ये रूल है हमारे इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ तो फ्री में आपको नॉलेज मिल रही है, तो ले लो भाई, इसी को ले लो। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, क्या चल रहा था भाई? हम लोग लास्ट टाइम देखा था, हमारा चल रहा था पीयूष ग्रंथि। क्या देख रहे थे भाई? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या देख रहे थे बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड ना, हम लोग क्या चल रहा था हमारा? पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन देख लिया, इसके फीचर्स देख लिया, वर्क क्या होते हैं भाई, कुछ वर्क में क्या होते हैं भाई, जनरली सारी ग्लैंड्स के क्या होते हैं भाई, हार्मोन्स का रिलीजन करता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। तो अभी तक हमने 4 हार्मोन्स देख लिया था। कौन कौन देख लिया था मैं रिकैप करूंगा, फिर फटाफट आगे बढ़ूंगा अपने टॉपिक पे। हमने क्या देखा था भाई? पहला हार्मोन्स हमने देखा था FSH, सेकंड था LH, थर्ड था ACTH, और लास्ट वाला हमने 4th क्या बताया था आपको? TSH। ठीक, ये 4 के बारे में हमने देखा था, चारों के वर्क के बारे में देख लिया था, क्या वर्क होते हैं, इनके एब्रिविएशन फॉर्म भी हमने लिखा। जो लोग नए जुड़े होंगे वो लोग पिछली क्लास को देख लेंगे, तो इन चारों के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक, पीछे वाली क्लास को आप देख लेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। तो आज हमारा जो अगला पॉइंट होगा ये देखिए, मैं लिख देता हूँ भाई 1, 2, 3, 4। अब फिफ्थ नंबर पे आते हैं हम लोग भाई। फिफ्थ नंबर पे क्या भाई हमारा? फिफ्थ नंबर पे आता है एक प्रोलैक्टिन, जिसको कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिफ्थ नंबर पे प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे ही नाम होगा इसका, प्रोलैक्टिन हार्मोन। सॉरी यार मैं गलत लिख गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन। थोड़ा सा हिंदी में मैं गलत हो गया, सही कर लेता हूँ मैं, हार्मोन। ठीक, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका एक अदर नाम होता है भाई दोस्तों, क्या नाम होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगला हार्मोन हमारा 5वें नंबर पर प्रोलैक्टिन हार्मोन है, और इसको एक अदर नाम से जानते हैं हम लोग, बर्थ हार्मोन। क्या नाम देते हैं? बर्थ हार्मोन। यानी हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे भाई जन्माता हार्मोन। याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी टोटल या कुछ भी दिया सकता था, इनमें से निम्न में से कौन सा जन्माता हार्मोन्स कहते हैं, किसको जन्माता हार्मोन कहते हैं, यानी जो बर्थ में रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप जानिएगा इसको क्या क्या होता है भाई, प्रोलैक्टिन। हिंदी मीडियम में ऐसे लिखेंगे प्रोलैक्टिन। कहाँ पर होता है जनरली ये किसके अंदर होगा भाई? बर्थ वाला बात लिखा गया, तो बर्थ कौन देता है भाई, जन्म कौन देती है? फीमेल देती है, तो ये जरूर है भाई, ये बात है, ये फीमेल हार्मोन है। फीमेल हार्मोन किसके अंदर होता है? फीमेल हार्मोन। ठीक, क्या मैंने बताया भाई, 5वें में मैंने नाम लिखा प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है बर्थ हार्मोन यानी जन्माता हार्मोन, और ये किसके अंदर होता है? किसके अंदर होता है भाई? फीमेल के अंदर। ठीक है, कैसे फीमेल के अंदर होता है, क्या वर्क होता है, इसके बारे में हम लोग देख ले। क्या होता भाई फीमेल्स के अंदर? हमने बताया था आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड में, हमने बताया था मैमेरी ग्लैंड्स पाई जाती है, मैमेरी ग्लैंड या मैमेलरी मैमेलरी। ठीक है, ये ग्रंथ पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है? वनली फीमेल के अंदर पाई जाती है। वर्क क्या होता है इसका भाई? मिल्क का प्रोडक्शन करना, मिल्क का प्रोडक्शन करना। ठीक, इट्स प्रोड्यूस ऑफ द मिल्क। ये क्या होते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती है? ये क्या होता है, कैसी ग्लैंड्स होती है? ये एग्जोक्राइन ग्लैंड होती है ना। एग्जोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है बच्चों?
डक्ट होंगी, इसमें डक्ट लगी होंगी, ठीक, वो एग्जोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन? मेमोरी ग्लैंड। कहाँ पाई जाती है? चेस्ट में पाई जाती है। किस में पाई जाएगी? फीमेल में पाई जाती है। इसीलिए यह हारमोन्स, ये कैसा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन, फीमेल हार्मोन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से फीमेल हार्मोन कौन सा, तो क्लियर होना चाहिए आपका कौन सा हार्मोन होता है फीमेल हार्मोन हमारा, जिसको बर्थ हार्मोन या जन्माता हार्मोन कहते हैं, प्रोलैक्टिन के नाम से जानते हैं। क्या काम होता भाई ये? क्या कहता? मिल्क का प्रोडक्शन करता। अभी मिल्क का प्रोडक्शन कब होता? जब मैच्योर, मैच्यूरेशन के समय सीक्रेट होता है। मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन यानी जब भी कोई फीमेल होगी वो मैच्योर हो जाएगी, यानी जब उसकी प्यूबर्टी एज खत्म हो जाएगी, यानी आफ्टर 22, जब वो आफ्टर 22 ईयर की हो जाएगी, तब उसमें यह हार्मोन जो है रिलीज होना शुरू हो जाएगा, यानी सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा। और क्या काम होता भाई? जब आफ्टर द बर्थ है, आप शिशु इन्फेंट जब वो बच्चे को जन्म दे देती है, तब ये हार्मोन एक्टिव हो जाता है और उसकी जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो कैसा क्या करते भाई, दुग्ध का फॉर्मेशन करने लगती है, या दूध आना उसमें शुरू हो जाता, दुग्ध बनना शुरू हो जाता, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन कैसा हार्मोन है? ये कैसा हार्मोन मैंने बताया भाई? फीमेल हार्मोन है, ठीक। क्लियर हुए यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या बताया मैंने लास्ट टाइम? मेमोरी ग्लैंड्स में ये हेल्प करता है, मेमोरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। किस लिए एक्टिवेट करता है? कि उसमें दूध का जो प्रोडक्शन शुरू हो जाए, ठीक है। और ये सारी प्रक्रिया कब होती है? प्यूबर्टी के बाद, यानी जब वो माँ बन जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब एक चाहे जब ही बनने सीक्रेट होने लगे, यानी कब होता भाई? जब वो बच्ची को जन्म दे देती है तभी ये हार्मोन्स एक्टिव होता है, ठीक है। इसीलिए इसको जन्माता हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। क्लियर हुआ? जन्माता हार्मोन्स, ठीक है। और जनरली अगर देखा जाए एक रेशियो में, एक एवरेज अन एवरेज में, तो ये मैच्यूरेशन, जब मैच्यूरेशन हो जाता है तब इसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। चलिए आगे हम लोग आते हैं, हमारा ये फिफ्थ नंबर हो गया। अब सिक्स नंबर की बात करेंगे हम लोग। सिक्स हार्मोन्स हमारा जो होता है, सिक्स नंबर में, सिक्स नंबर का एक हार्मोन्स होता है जिसको जीएच हार्मोन्स। सिक्स नंबर पे क्या होता है बच्चे? जीएच का पूरा नाम अगर हम बच्चे लिखते हैं, क्या होता है जीएच का पूरा नाम? ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ का मतलब ही आप समझ रहे हैं, वृद्धि। क्या होता है भाई? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, हिंदी में बोलते हैं वृद्धि, वृद्धि हार्मोन, ठीक बच्चे। क्या बताया मैंने? ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन हिंदी में इसका नाम होता है। इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है जिसको क्या नाम दिया जाता है? सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। एक चीज यहां से पूछा जाएगा आपको, सोमैटोट्रोपिन कौन सा और क्या वर्क करता है? सोमैटोट्रोपिन का मेन वर्क क्या होता है भाई? ये हमारी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। किस में रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ में ना, हमारी वृद्धि कैसे होती है, कैसे रुकती है, कितना में बढ़ना, सारी चीज़ें की एक्टिविटीज कौन करता है? सोमैटोट्रोपिन। कब से रिलीज होता है, कब से सीक्रेट होता है? जब भी हम जब बच्चे का जन्म जाता है तब से स्टार्ट होता है। कब तक चलता रहता है? यानी जब प्यूबर्टी एज खत्म हो जाती है। प्यूबर्टी एज का मतलब कितने समय तक रहता है? ओनली रिलीज इन 22 ईयर, यानी कितने ईयर्स तक ये रिलीज होता है? केवल 22 वर्ष तक, ठीक है। कितने वर्ष तक होता? इसीलिए जिसको जो बढ़ना वढ़ना रहता है भाई, बढ़ने की बात होती है, लंबाई की जो ग्रोथ होती है लंबाई में, वो कब तक बढ़ती है? केवल 22 वर्ष तक। उसके बाद कोई भी लंबाई नहीं बढ़ती है, चाहे आप जितना भी कुछ कर लो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेन जो भी होता भाई, जो मेडिसिन वगैरह आपको लेना हो उससे पहले ले लीजिए, इसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होती है। एक चीज़ और होती भाई, अगर ये दो फॉर्म में सीक्रेट होता, एक हाइपो होता, एक होता हाइपर। हाइपो और हाइपर, हाइपो का मतलब होता भाई कम हो जाता है, अगर ये कम सीक्रेट हुआ, ठीक। और यहां होता है ज्यादा, तो एक बीमारी हो जाती है। कम सीक्रेट होता तब भी बीमारी, ज्यादा सीक्रेट हो गया तब भी बीमारी, तो यानी ये बैलेंस में आना चाहिए, ठीक है। हमारे शरीर में ये बैलेंस में आए। अगर ये कम होता है तो एक बीमारी होती है ड्रॉफिजनम, जिसको बौनापन के नाम से जानते हैं, ठीक। सर्कस वगैरह आप लोग देखे होंगे, उसमें आते हैं ना भाई जमूरे, ये राजस्थान वाला वर्ड है, जमूरे, जमूरे होते हैं जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है, ठीक है। ड्रॉफिनेजम मतलब अगर ये कम सीक्रेट हुआ
तो आदमी बौनापन हो जाता है। ये मत सोचिए कि जो 5 फीट का है वो आदमी बौना है, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है 22 साल की उम्र में आदमी 3 फीट का हो 2 फीट का, उनको बौना कहते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया की क्लाइमेटोलॉजी के अनुसार हमारी एवरेज हाइट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 5 से लेके 6 फीट। ठीक है, ये हमारी क्लाइमेटोलॉजी पे डिपेंड करता, हमारी हाइट, हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारा एटमॉस्फेयर है, इस पे डिपेंड करता। तो हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे क्लाइमेटोलॉजी यानी हमारी जो जलवायु है उसके अनुसार जो हमारी हाइट है इंडिया की, और खासकर नॉर्थ इंडिया यानी जो ये उत्तर प्रदेश वाला एरिया, दिल्ली हरियाणा वाला एरिया, हरियाणा को छोड़ दीजिए भाई, हरियाणा वाले तो भाई काफ़ी हाइब्रिड होते हैं, उनकी बात ही छोड़िए, हरियाणा पंजाब की, जो हमारा बिहार और यूपी मध्य प्रदेश की बात होती है, तो कितने होते हैं भाई, 5 से 6 फीट होंगे। क्यों होंगे भाई, क्योंकि हमारी जलवायु ही ऐसी होती है, हमको भाई 45 डिग्री तक टेम्परेचर झेलना पड़ता है ठंड, कब, गर्मियों में, ठीक है, समर सीजन में, और ठंडियों में भाई हम कितना झेल जाते हैं, 3 से 2 डिग्री तक आ जाता है ना। तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है भाई, हमारे एटमॉस्फेयर पे। तो जैसे हमारे एटमॉस्फेयर होता है, जैसे ये निश्चित होता है भाई, एटमॉस्फेयर पे ही हाइट डिपेंड करती है बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा जीन्स वगैरह कुछ नहीं, हाँ जीन्स का भी रोल होता है, बट लेकिन जीन्स भी एक्टिव होना कम हो जाते हैं, जब कब होते हैं भाई, ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, 50-100 साल के बाद ही। क्या होता, पहले के हमारे जो एंसेस्टर होंगे उनकी हाइट कितनी रही होगी, उनकी हाइट मैक्सिमम लोगों की 6 फीट या 6.5 फीट, लेकिन आज की एवरेज हाइट क्या हो गई भाई, 5.5 फीट हो गई है, 5 से 5.5 हो गई है। ठीक है, डाउन होती हुई जा रही, आने वाले समय में 50 साल के आने वाले के बाद भाई जो 5 फीट होगा बहुत लंबा माना जाएगा, अब 4.5 पे पहुंचेंगे। ठीक है, इसीलिए फीमेल्स की हाइट कितनी मानी जाती है, 4 से 5 फीट, और मेल्स की हाइट कितनी मानी जाती है, 5 से 6 फीट, ये एवरेज हमारे यहाँ का। कोई 6.5 या 7 फीट का हो गया तो एक्सेप्शन हो गया, यानी हमारे यहाँ जो खली है, खली, ग्रेट खली, उसके पास एक बीमारी है, ग्रेट खली, कौन सी बीमारी है, यानी उसके 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 अंदर क्या ज़्यादा सिक्रीशन हो गया, हाँ, सिमेटोट्रॉफिन, कौन सी होती है, जिंजिनेटिज्म, यानी ये जिंजिनेटिज्म नामक बीमारी है, किसके पास है भाई, जो हमारा इंडिया का पहलवान है खली, ठीक है, वो क्या हो गया भाई, भीम काय जिसको कहते हैं, भीम काय का मतलब क्या हो रहा है भाई, भीम काय से मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, भीम काय का मतलब होता है, जो आप लोगों ने सीरियल देखा होगा महाभारत, हमारे यहाँ आता भाई महाभारत, बहुत बार देखा गया, चला महाभारत, उसमें एक पर्सन था भीम, जो काफ़ी शरीर में लंबा चौड़ा हैवी था और बलवान था, उसी के अनुसार से जिंजिनेटिज्म मतलब भीम काय शरीर, यानी मैंने क्या बताया भाई, अगर हाइपर हो जाएगा मतलब ज़्यादा सिक्रीशन हो जाएगा किसका, सोमेटोट्रॉफिन का, तो जिंजिनेटिज्म में हो जाएगा, और अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ड्रॉफिनिज्म। क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, यहाँ से पूछ लिया जाएगा, अगर सोमेटोट्रॉफिन हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी दोस्तों, जिंजिनेटिज्म ज़्यादा सिक्रीट होने पर पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन, अगर सोमेटोट्रॉफिन हार्मोन्स कम सिक्रीट होता तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, ड्रॉफिनिज्म। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ, आगे चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब से 6 हार्मोन्स हमने पढ़ा दिया आपको, अब अगला हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, चलिए मैं इसको मिटा के लिखता हूं यहां, अगला वाला हमारा जो आता भाई 7th नंबर पे, 8 हार्मोन्स टोटल होते हैं, 7th नंबर का हार्मोन्स होता है जो, उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब हिंदी मीडियम वाले इसका नाम लिखेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ओके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या वर्क होता भाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का, ये भी कैसा हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन, क्या होता भाई इसका वर्क क्या होता भाई, ये कैसा हार्मोन्स होता है, फीमेल हार्मोन्स होता है, फीमेल हार्मोन्स, पहला पॉइंट इसके लिए याद रखे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है फीमेल हार्मोन्स होता है, ये भी इसका वर्क भी क्या होता भाई, मेमेरी ग्लैंड को, ग्लैंड्स को क्या कर देता है ये भाई, एक्टिव करता है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिव करता है, ये पहला वर्क होता है। दूसरा इसका मेन काम क्या होता भाई, लिबरल पेन कम कर देता था, ठीक है, कब करता है भाई, जब क्या होता भाई, जब प्रेगनेंसी होती है यानी जब बच्चा डिलीवरी होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, लिखेंगे हिंदी में इंग्लिश मीडियम में, ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम
टाइम डिक्रीज ऑफ लिबरल पेन। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे भाई, हिंदी मीडियम वाले लिख लें, यह है प्रसव पीड़ा को कम करता है, यानी प्रसव पीड़ा को कम करता है। क्या बताया भाई मैंने, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हमारा सेवंथ नंबर पे आता है और इसका मेन वर्क क्या होता है भाई, इसको ये मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिविटीज करता है। अगला हमने क्या बताया भाई, ये ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, मतलब जब क्या होता है भाई, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, मतलब जब कोई फीमेल्स होती है बच्चे को बर्थ देती है यानी जन्म देती है, तो क्या करता है भाई, ये जो मतलब यूट्रस होता है, जो यूट्रस वाले पार्ट्स होते हैं जहाँ से बच्चा डिलीवर होता है यानी वेजाइना वाले पार्ट्स, उसको क्या कर देता है भाई, उसकी पीड़ा को यानी उसके पेंस को ये कम करने में हेल्पफुल होता है। ऑक्सीटोसिन मतलब क्या होती है, उसके वाल्स को क्या कर देता है भाई, रिलैक्स कर देता है, मतलब फैल जाती हैं, ताकि क्या होता है भाई, पेन जो है कम हो, किसके पास, फीमेल्स के पास। ठीक, तो फीमेल्स का जो होता है कौन सा पार्ट, जेनाइटल पार्ट, जेनाइटल पार्ट्स के क्या होता है, कब लिबरल पेन जो है ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। ठीक, ये साइंस की क्लास है और साइंस में अभी रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम आपको ऐसे बात करनी होंगी, तो प्लीज़ इसको आप लोग अनदर चीज़ से मत लीजिएगा। ठीक, तो क्या करता भाई, वर्क करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, ये क्या करता भाई, लिबरल पेन को कम करता है यानी प्रसव पीड़ा, जो प्रसव पीड़ा होती है उसको कम कर देता है। कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ से कि व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, कई तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपका ऑप्शन जो सबसे करेक्ट होता होगा लिबरल पेन यानी प्रसव पीड़ा को कम करना, यानी और ये भी पूछ सकता भाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का या प्रसव पीड़ा को कौन सा हार्मोन्स कम करता है, तो कई सारे ऑप्शन, कई सारे हार्मोन्स के नाम दिए जाएंगे, तो आपको लर्न होना चाहिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन। या पूछ सकता है निम्न में से कौन सा जो है मादा हार्मोन्स कहलाता है यानी फीमेल हार्मोन्स कहलाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए मादा हार्मोन्स कौन कहलाता भाई, कौन सा कहलाता है मादा हार्मोन्स हमारा, ऑक्सीटोसिन जो है मादा हार्मोन्स कहलाता। चीज़ क्लियर हुई, चलिए ठीक, तो सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना, ये यहाँ से इतने ही पॉइंट इसमें से बनते हैं, और ऑक्सीटोसिन जो होता है इसका जो है यूज कहाँ किया जाता है भाई, ऑक्सीटोसिन आप जनरली देखे होंगे जो एनिमल होते हैं, एनिमल में कौन होती है भाई, काऊ, यानी जो मिल्क एनिमल होते हैं, एनिमल में काऊ होता है और कौन होती है, बिफैलो यानी जो गाय और भैंस होती है, जो दुग्ध वाले जानवर होते हैं, उनको भी ये दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि उनकी जो है मिल्क प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ जाए, मिल्क प्रोडक्टिविटी। और ये फीमेल्स में भी यही चीज़ होती है, यानी ऐसी फीमेल्स यानी ऐसी माता जिसके जिस जो क्या है दूध का प्रोडक्शन जिसमें नहीं होता, तो फिर डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन देते हैं, ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऐसी माता, कभी आपसे ऐसे लॉजिक टाइप के क्वेश्चन या रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऐसी माता जो जिसका जो है जो दूध का फॉर्मेशन जिसकी मेमोरी ग्लैंड में या दुग्ध ग्रंथियों में दूध का फॉर्मेशन नहीं होता, तो उसको कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, या कौन सा हार्मोन्स वाला इंजेक्शन दिया जाएगा, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। क्लियर हुआ, और ऑक्सीटोसिन का यूज किसमें किया जाता है भाई, जो हमारी एनिमल्स होते हैं, एनिमल हर्बिवर्स, मतलब जो लोग भाई दूध का व्यवसाय करते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, इस इंजेक्शन को देते हैं। क्यों भाई, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा हो और उनकी मार्केट खूब ज़्यादा चले। ठीक है, इसीलिए क्या होता है भाई, हर जो व्यापारी होते हैं, जो हमारे मर्चेंट होते हैं, जो मिल्क का क्या करते हैं व्यापार करते हैं, वो क्या करते हैं भाई, उनके पास जो जानवर होते हैं बफैलो और काऊ, वो सोचते हैं कि हमारी एक गाय और एक भैंस जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम दूध हमें दे, ताकि उनसे वो क्या कर सके भाई, अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सकें। ठीक है, क्लियर हुआ, ये हार्मोन जो है किसमें सिक्रेट होने लगेगा, अगर मेल्स में सिक्रेट होता है होने लगता है, इसीलिए इसको और एक नाम दिया जाता है लव्ड हार्मोन। ठीक, लव्ड हार्मोन्स क्यों कहते हैं लव्ड हार्मोन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है भाई, ऐसे वो लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नेचर जैसा क्या होता है, स्त्रीत्व नेचर मिलने लगता है, मतलब फीमेल टाइप का नेचर मिलने लगता है। ठीक है, और उनके कुछ पार्ट्स वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं, तो उनमें कौन सा हार्मोन सिक्रेट होने लगता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होने लगता है। बस ये चीज़ इतना जानी है कि ठीक है, तो अगर मतलब किसी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि पुरुषों में स्त्रियों जैसे लक्षण दिखना, कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो आखिरी हार्मोन्स है, ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है,
ये कौन सा नंबर था भाई? सेवंथ नंबर था। अब आठवें नंबर पे हमारा जो आता है नंबर, आठवां नंबर जो कि हमारा लास्ट टॉप हार्मोन्स है, जिसको हम नाम देते हैं एडीएच हार्मोन्स, एडीएच, ठीक है, एडीएच। एट नंबर पे हमारा क्या भाई? आठ नंबर पे हमारा है एडीएच, एडीएच। इसका एब्रीविएशन फॉर्म अगर पूछ लें हम आपसे, एडीएच का एब्रीविएशन, आठवें नंबर का हार्मोन्स एडीएच होता है, एब्रीविएशन फॉर्म इसका देख लीजिए आप लोग, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। क्या मैंने लिखा भाई? इसका एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ठीक, एडीएच का पूरा नाम। इसका एक और नाम होता आर करके लिखेंगे आप लोग, वैसो प्रोसिन हार्मोन, ठीक बच्चे, पूछ लिया जाएगा आपसे कि एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है, वैसोप्रोसिन हार्मोन्स, ठीक है। तो ये चीज, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एडीएच का पूरा नाम, दूसरा नाम क्या होता है, वैसोप्रोसिन। यूरेटिक वाले जो शब्द हैं इससे आप जनरली आइडिया लगा सकते हैं, ये क्या करता है, बैलेंस करता है, किसको, बैलेंस ऑफ वाटर इन यूरिन, ठीक बच्चे, क्या करता है, हमारी जो यूरिन होती है उसमें वाटर का बैलेंस करता है, क्या करता है, इसका बैलेंसिंग करता है, वाटर का बैलेंस करता है हमारी बॉडीज में या यूरिन में, ठीक। इसका मेन रोल होता है भाई हमारी यूरिन का फॉर्मेशन कितना होगा कितना नहीं होगा, कौन करता भाई, एडीएच हार्मोन्स करता है, चीज़ें क्लियर हुई। एडीएच का मेन वर्क क्या होगा कि हमारी बॉडीज में यूरिन का फॉर्मेशन को रेगुलेट करना, ठीक। कभी कभी क्या होता भाई, कुछ लोग जो है अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, तो उनमें क्या हो जाता भाई, एक्सेस अमाउंट में एडीएच का सिक्रीशन होने लगता है, एडीएच का सिक्रीशन होने लगता है। तो इसमें एडीएच का अगर सिक्रीशन ज्यादा होने लगा तो क्या होगा भाई, इसमें एडीएच का सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा, यानी क्या होता भाई, उस आदमी को यूरिन की, यूरिन फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो, यूरिन फॉर्मेशन जो है अधिक हो जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन इज इंक्रीज, ठीक, ठीक है। तो जो अल्कोहलिक होते हैं, मतलब जो एडिक्ट होते हैं, अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, उनमें यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता, ठीक है। तो हमने आपको क्या क्या बताया भाई, ऑक्सीटोसिन बताया सेवन्थ नंबर का, ठीक है, और एट नंबर का क्या बताया, एडीएच बताया। एडीएच का पूरा नाम क्या होता है, एंटी डायरोटिक हार्मोन्स होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। इसका मेन वर्क क्या होता है, बैलेंस करता है क्या हमारे वाटर्स को, हमारी बॉडीज में यानी यूरिन के फॉर्मेशन में उसको बैलेंस बना के रखता, ठीक। और अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ये क्या होता है, हार्मोन्स जो है अल्कोहल अगर लेने पे क्या होता है, ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है, इसलिए उनमें यूरिन का फॉर्मेशन अधिक होने लगता, ठीक। तो क्या क्या बताया मैंने, चार हार्मोन्स को मैंने बताया, मैं फटाफट रिवीजन कर देता हूँ, चलो ठीक है, उल्टा ही रिवीजन कर देता हूँ। आठवें नंबर का एडीएच होता है, जो बैलेंस क्या करता है, बैलेंस करता है वाटर को। नवें, सातवें नंबर का हमने बताया ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जो क्या करता है भाई, एक फीमेल हार्मोन्स होता है, और कब करता है भाई, ये क्या करता है, लिबलर पेन को कम करता है, प्रसव पीड़ा को कम करता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। इसके पहले मैंने बताया था आपको जीएच हार्मोन्स, जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं या वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जानते थे, जीएच हार्मोन्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई, सोमैटोट्रोपिन, ठीक, सोमैटोट्रोपिन बताया था। इसका दूसरा नाम क्या बताया था हमने, सिमोटोट्रोपिन, ठीक। क्या होता है इसमें भाई, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, हमारी क्या होता है, हाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी लंबाई के लिए, लेंथ के लिए, ठीक है। अगर ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिंजेनेटिज्म हो जाएगा, कम सिक्रीट हो जाएगा तो ड्रॉफिनिज्म हो जाएगा। और लास्ट वाला हमने क्या बताया आपको, आखिरी जो हार्मोन्स हमने बताया था, मतलब सिक्स नंबर पे हमने क्या बताया था भाई आपको, ये हमने कौन सा नंबर बताया था भाई, सात के बाद सिक्स हो गया है, और सिक्स के बाद हमने बताया था फाइव नंबर पे प्रोलैक्टिन एक कैसा हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन्स होता है, क्या करता है भाई ये, हम क्या करता है, हमारी मेमरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, यानी क्या करता है भाई ये, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन, और ये फीमेल हार्मोन्स होता है, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक। चीज़ें क्लियर हुई आपको? तो ये लास्ट जो बचे हुए पाँच चार हार्मोन्स थे,
ये क्लियर हुआ, तो ये मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इससे 8 हार्मोन्स थे जो जिसको हमने 1 by 1 करके दो वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दी, क्या वर्क होते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कभी इसके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं या फिर आपसे पूछ लिए जाएंगे कि कौन सा हार्मोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा भाई वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर करिएगा दोस्तों में और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक करिएगा वीडियो को, खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।